Hi guys, my name is Santanu. आज मैं आपको दिखाऊंगा मेरा सेटअप जो कि मैं दो दिन पहले लिया है. तो बेसिकली ये एडिटिंग पीसी बिल्ड किया है मैंने, इसलिए Ryzen 7 चूज किया था. तो मैंने कौन से कंपोनेंट यूज किया, क्यों यूज किया, वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा. मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा एडिटिंग के ऊपर, कितना ज़्यादा स्मूथ है ये पीसी एडिटिंग के लिए. तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें. मैं नेक्स्ट वीडियो विद इन ए वीक एडिटिंग के ऊपर बनाऊंगा. आपको दिखाऊंगा प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट, डेविंसी रिजॉल्व जैसे सॉफ्टवेयर कितना स्मूथ चलता है मेरे पीसी के ऊपर. तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा. तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जल्दी से सब्सक्राइब करो. तो गाइस, ये वीडियो बहुत ही सिंपल बनाऊंगा, ज़्यादा एडिट नहीं करूँगा, जस्ट एन ओवरव्यू ऑन माई सेटअप. सो प्लीज़ डू नॉट माइंड. इसमें जो भी प्रोडक्ट मैंने दिखाया है वो मैंने अपने पैसे से ही खरीदे हैं, ना कि कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो है. एंड सारे प्रोडक्ट के डिटेल्स, सारे प्रोडक्ट के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप चाहे तो वहाँ से बाई कर सकते हैं. सो तो चलिए पहले शुरू करते हैं सीपीयू से. तो ये कैबिनेट है एनटेक का, देख सकते हैं सामने एक आरजीबी स्ट्रिप है एंड इस साइड पे ग्लास है, एक्रिलिक ग्लास. इस सेट को भी देख सकते हैं. ऊपर देखिए, इधर पावर बटन है, इधर एलईडी का बटन है. आप चाहे तो एलईडी को चेंज कर सकते हैं ऊपर बटन से. एंड यूएसबी पोर्ट, ऑडियो जैक. एंड अभी थोड़ी देर में हम इस ग्लास को हटा देंगे, फिर अंदर के पार्ट्स को देखेंगे. ऊपर आपको मिलेगा एक डस्ट फिल्टर एंड इसके अंदर आप चाहे तो दो 120mm का फैन लगा सकते हैं. पीसी की तरफ है यूएसबी पोर्ट, ऑडियो जैक्स. एंड इधर मैंने एक वाईफाई का डंगल लगाया हुआ है क्योंकि मदरबोर्ड में वाईफाई है नहीं, तो मुझे वाईफाई चाहिए था. मेरे फ़ोन से मैं डाटा कनेक्ट करता हूँ वाईफाई से. एंड इधर एक HDMI जैक. तो चलिए पहले हम इसे ओपन करते हैं, फिर अंदर के पार्ट्स को देखते हैं, ठीक है? तो ये हो गया ओपन, इसे हम साइड में रख देते हैं. एंड ऑल राइट, जैसा कि आप लोगों ने देखा, ये एनटेक का कैबिनेट है इनबिल्ट 8GB के साथ. कोई एक्स्ट्रा 8GB मैंने नहीं लगाया है. ये मदरबोर्ड के साथ ही आया है एंड ये प्रोसेसर के फ़ैन के साथ ही आया है. ये 120mm का फ़ैन है, कैबिनेट के साथ ही था. नीचे की तरफ आपको मिलेगा एक सेपरेशन फॉर SMPS. इधर मैंने लगाया है 1TB वेस्टर्न डिजिटल का हार्ड डिस्क. इधर है कॉर्सियर का 550PSU जो कि आप देख सकते हैं इधर 550. इट इज़ इनफ फॉर माई कॉन्फिगरेशन. एंड सबसे मेन थिंग, ये बोर्ड है गीगाबाइट का B450 Aorus Elite जो कि एक ATX मदरबोर्ड है. ऑफकोर्स इट इज़ ए AM4 सॉकेट मदरबोर्ड फॉर AMD प्रोसेसर्स. एंड मैंने प्रोसेसर लगाया है 1700 Ryzen 7. इस फैन के नीचे है, फैन भी प्रोसेसर के साथ ही आता है. प्रोसेसर आप देख नहीं सकते क्योंकि फैन के नीचे है. एंड इसके बगल में है रैम, आप देख सकते हैं इधर चार स्लॉट है. मैंने अभी 8GB का एक कॉर्सियर वेंजिनेंस 3000MHz रैम लगाया हुआ है. एंड अब बात करते हैं ग्राफिक्स कार्ड की. तो ये है GeForce GTX गीगावाइट 1650 जो कि NVIDIA में हाल ही में लॉन्च किया था अप्रैल को. अभी ये जून का महीना है तो इसको लॉन्च होते हुए अभी 2 महीने हुआ है, तो ब्रांड न्यू ग्राफिक्स कार्ड बोल सकते हैं आप. नीचे आप देख सकते हैं दो फैन है 80mm के, इसलिए इस ग्राफिक्स कार्ड का साइज़ थोड़ा छोटा है. बट 1050 Ti के मुकाबले ये बहुत ही फास्ट है, बहुत ही पावरफुल है. हाँ, ये भी 4GB का ही है. एंड ग्राफिक्स कार्ड के नीचे आप देख सकते हैं उधर ग्रीन कलर के M.2 वेस्टर्न डिजिटल 120GB M.2. इसलिए मैंने SSD अभी इधर नहीं लगाया है, SSD का 2 स्लॉट है. M.2 बहुत फास्ट है इसलिए मैंने M.2 ही चूज़ किया है. नीचे एक और ग्राफिक्स का स्लॉट है, उसके नीचे ये जो M.2 है वो NVMI के है. मेरा जो है वो SATA 3 के है जो थोड़ा लो प्राइस है. NVMI बहुत फास्ट होता है, उसका प्राइस भी थोड़ा हाई होता है, तो मुझे ज़रूरत नहीं उतना हाई प्राइस की. अभी मैंने SATA 3 मेरे लिए अभी ठीक है. तो ये देख सकते हैं आप, मदरबोर्ड काफ़ी अच्छा लाइटनिंग दिया है इधर Aorus ने. तो ये जो मॉनिटर है आप देख सकते हैं BenQ का है 24 इंच. 24 इंच इज़ ए ग्रेट चॉइस फॉर एडिटिंग
and it is the best choice for 1080p resolution. आप देख सकते हैं इसका स्टैंड, इसके साइड पे भी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा थिक नहीं है, बहुत ही थिन डिज़ाइन है एंड इसका थिन बेजल जो मुझे बहुत अच्छा लगा इसलिए मैंने ये मॉडल लिया है। ये मॉडल का नाम है BenQ GW2480। आप चाहे तो इसे बाई कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया है एंड इसका रिफ्रेश रेट है 60Hz एंड 5 मिलीसेकंड रिस्पॉन्स टाइम। एंड इधर डिस्प्ले मोड पे आप देख सकते हो sRGB सपोर्टेड है, सो इट इज़ अ बेस्ट चॉइस फॉर एडिटिंग पर्पसेस लाइक कलर ग्रेडिंग, एंड इसलिए मैंने इस मॉनिटर को चूज़ किया है। एंड अब आते हैं कीबोर्ड के ऊपर, तो ये कीबोर्ड है एक नॉर्मल कॉस्मिक बाइट गेमिंग कीबोर्ड। आप चाहे तो इसका कलर चेंज कर सकते हैं अब जो भी आप चाहे। एंड माउस मेरे पास पहले से ही था, ये बोट का हेडफोन है जो मैंने ऑनलाइन से लिया था पहले। अब बात करते हैं मैंने Ryzen 7 ही क्यों लिया। इतना सारा मार्केट में प्रोसेसर होने के बावजूद ही मैंने Ryzen 7 क्यों लिया, ये तो बहुत ही पुराना मॉडल है। आप बोलोगे Ryzen फर्स्ट जनरेशन का मॉडल है, अभी सेकेंड जनरेशन आ गया है तो मैंने सेकेंड जनरेशन क्यों नहीं लिया। तो ये नंबर वन मेरे बजट के अंदर आ गया, 16,800 में आ गया एंड इसका कोर काउंट 8 कोर है एंड 3.0 GHz एंड 3.6 OC, सो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये प्रोसेसर। अब मैं तो यूज़ करूँगा वीडियो एडिटिंग के लिए, तो बेसिकली आपको पता ही होगा अगर आप प्रीमियर प्रो यूज़र है तो प्रीमियर प्रो एक मल्टी कोर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, जितना ज़्यादा कोर होगा उतना ज़्यादा ही आपको परफॉर्मेंस मिलेगा, इसलिए मैंने Ryzen 7 अभी चूज़ किया है एडिटिंग के लिए। अगर आप गेमिंग पीसी बिल्ड करना चाहते हैं तो आप जाइए सिंगल कोर में जिसका क्लॉक स्पीड ज़्यादा हो, जैसे Ryzen 5 1600X एंड Ryzen सेकेंड जनरेशन 2600। ये प्रोसेसर गेमिंग के लिए बहुत ही बढ़िया है, लेकिन Ryzen 7 1700X 1800X ये सारे प्रोसेसर एडिटिंग के लिए बेस्ट है क्योंकि इसका कोर काउंट बहुत ज्यादा है, 8 कोर एंड 16 थ्रेड्स। एंड ये ग्राफिक्स कार्ड एडिटिंग के लिए ठीक ठाक ही है, आप इस ग्राफिक्स कार्ड में हाई एंड गेम भी 60fps में विदाउट एनी इशू खेल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड M.2 मैंने चूज किया इसलिए क्योंकि मेरा ये जो सॉफ्टवेयर है इसको बार बार रन करना पड़ता है, तो स्पीड अप के लिए मैंने M.2 अभी यूज किया है। आपको पता ही होगा M.2 में स्पीड बहुत ही ज्यादा होता है हार्ड डिस्क के मुकाबले, तो मैंने M.2 लिया है। तो गाइज ये है कंपोनेंट्स का बॉक्स, ये जो मदरबोर्ड है इसका प्राइस है 10,000 रुपीज़ के आसपास, ये जो PSU है वो आपको मिलेगा 3,600 में, ये Ryzen 7 का प्रोसेसर आपको मिलेगा 16,800 में, ये गीगाबाइट का जो ग्राफिक्स कार्ड है वो आपको मिलेगा 13,000 में एंड ये जो आपने स्क्रीन देखा ना उसका प्राइस है अबाउट 10,000 रुपीज़ एंड ये कैबिनेट का प्राइस आपको मिलेगा 3000 के आसपास। ये जो रैम है इसका प्राइस है 3200 एंड ये जो M.2 है उसका प्राइस है अराउंड 2000 रुपीज़। सो टोटल मेरा सेटअप का प्राइस हुआ था 17,000 के आसपास। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको कि नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा एडिटिंग के ऊपर, एडिटिंग में मेरा PC कितना ज़्यादा स्मूथ है, तो आपको मैं रियल लाइफ एग्जाम्पल दिखाऊंगा, ना कि ओनली बेंचमार्क। प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट, डेविंची रिजॉल्व, सारे सॉफ्टवेयर के ऊपर आपको एक ओवरव्यू दिखाऊंगा कि कितना ज़्यादा स्मूथ है Ryzen 7 फॉर एडिटिंग। तो गाइस वीडियो कैसा लगा, वीडियो को छोड़ो सेटअप कैसा लगा वो बताओ आप लोग कमेंट में, एंड अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कर दो, शेयर कर दो। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।